हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी विथ बैजू में। देखिए, पिछली क्लास में परिसंचरण तंत्र जो है सो देखे थे। 18 नंबर तक प्रश्न हो चुका था। आज हम लोग 19 नंबर प्रश्न से चालू करेंगे, ठीक है। देखिए, ये आपका 19 नंबर है। मनुष्य का औसत रक्तचाप होता है कितना? रक्तचाप होता है जिसे ब्लड प्रेशर कहते हैं, तो ब्लड प्रेशर जो है सो होता है कितना? सामान्य मनुष्य का 120/80 होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। देखिए, नंबर स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है, ब्रैकेट में दिया है, सिस्टोलिक एवं डायस्टोलिक, ठीक है। तो कितना होता है? हम लोग जानते हैं सिस्टोलिक में 120 होता है और डायस्टोलिक में 80 होता है, ठीक है। ये आपका डायस्टोलिक हो गया और ये आपका सिस्टोलिक का हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। 21 नंबर कहता है, इनमें से रक्तदाब का मापक यंत्र कौन सा है? ब्लड प्रेशर को कौन सा यंत्र के द्वारा मापते हैं? तो वो मापते हैं स्फिग्मो मैनोमीटर। सी नंबर सही है। चलिए बताइए, 22 नंबर, निम्न उपकरणों में से किसको रक्तचाप नापने के लिए प्रयुक्त हो करते हैं? बताइए। तो इसका आंसर सही हो जाएगा आपका स्फिग्मो मैनोमीटर। चलिए नेक्स्ट देखिए। दिया है 23 नंबर में, एक व्यक्ति का रक्तचाप 140 mmHg है, तो इस आलेख में Hg से क्या तात्पर्य है? तो हम लोग जानते हैं Hg मतलब क्या होता है? मरकरी होता है। तो Hg जो है सो मरकरी होता है, पारा होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। 24, जब एक व्यक्ति वृद्ध होते जाता है तो सामान्यतः उसका रक्त का दाब क्या होता है? तो उसका रक्त का दाब, ब्लड प्रेशर जो है सो बढ़ते जाता है, ठीक है। जब कोई व्यक्ति बूढ़ा होते जाता है, धीरे धीरे एज उसका जो है सो ज़्यादा होते जाता है, तो उसका ब्लड प्रेशर जो है सो धीरे धीरे बढ़ते जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। देखिए, 25 नंबर कहता है, चार व्यक्ति का ब्लड प्रेशर दिया हुआ है, ठीक है, किसका ब्लड प्रेशर जो है सो सही है? तो देखिए, आपका 120/80 होना चाहिए, तो ब्लड प्रेशर आपका 120/80 जो है सो श्री वाई का सही है, ठीक है। तो श्री वाई का ऑप्शन जो है सो ऑप्शन नंबर डी में आपका दिया हुआ है, तो ये आपका ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट देखिए। हमारे शरीर में 26 कहता है, हमारे शरीर में रक्तदाब होता है, हमारे शरीर में रक्तदाब जो होता है, ब्लड प्रेशर, वो क्या होता है, कैसे होता है? वायुमंडलीय दाब से कम होता है, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है? तो हमारे शरीर में रक्तदाब जो होता है वो वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, ठीक है। जिसे हम लोग कहीं कहीं पे ऑप्शन में आपको मिल जाएगा, वायुमंडलीय दाब के सापेक्ष, वायुमंडलीय दाब के सापेक्ष, मतलब कि वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, ठीक है। और अगर हम बात करेंगे, वायुमंडलीय दाब निर्वात के सापेक्ष मापा जाता है। वायुमंडलीय दाब जो होता है, ये वायुमंडलीय दाब जो है वो निर्वात के सापेक्ष मापा जाता है, ठीक है। और अगर हम कहें कि हमारे शरीर में रक्त का दाब होता है निर्वात के सापेक्ष, तो कितना होता है? निर्वात के सापेक्ष हमारे शरीर में रक्त का दाब कितना होता है? तो रक्त का दाब हमारे शरीर में 880 mmHg होता है। ये हमारे शरीर का रक्तदाब होता है निर्वात के सापेक्ष, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। 27 नंबर कहता है, निम्न रक्त वर्ग सार्वत्रिक दाता कहते हैं, यूनिवर्सल डोनर किसे कहते हैं? तो यूनिवर्सल डोनर जो है सो बी नंबर आपका सही है, वो ठीक है। किसी भी को जो है सो किसी भी व्यक्ति को ब्लड जो है सो दे सकता है, ठीक है। देखिए, 28 नंबर कहता है, मानव रक्त
मानव रक्तदान के लिए कौन सा रक्त समूह सार्वत्रिक दाता होता है? वही क्वेश्चन है, सेम है, ठीक है, बी नंबर होगा इसका सही। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, सॉरी, किस रक्त समूह की व्यक्ति सार्वभौमिक प्रदाता हो सकता है? ठीक है, बताइए, वही प्रश्न है, क्या हो जाएगा इसका? इसका हो जाएगा वो ग्रुप का किसी को भी दे सकता है। देखिए 31 नंबर प्रश्न देखिए, वर्ग ए बी रक्त वाला व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति का रक्त ले सकता है जिसका रक्त वर्ग है, ठीक है, बताइए। ऑप्शन नंबर ए में दिया है मात्र ए, ऑप्शन नंबर बी में दिया है मात्र बी, और ऑप्शन नंबर सी में मात्र ए बी है, ठीक है, तो कौन सा व्यक्ति से ब्लड को ले सकता है? तो आपका ऑप्शन भी हो गया सही, कोई भी वर्ग, ठीक है, किसी भी से भी ब्लड जो है सो ले सकता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ये जो आपका ब्लड है ए बी रक्त वाले व्यक्ति को कभी कभी सार्वत्रिक रक्त आदाता कहा जाता है, मतलब किसी का भी ब्लड को ले सकता है एक्सेप्टर। क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसके रक्त में प्रतिपिंड एंटीबॉडी का अभाव होता है, ठीक है, प्रतिपिंड एंटीबॉडी का अभाव होता है, इसलिए किसी का भी ब्लड जो है सो ले सकता है, ठीक है। चलिए 34 नंबर देखिए, एक मनुष्य दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और उसे रक्तदान की आवश्यकता होती है, किंतु उसके रक्त समूह का परीक्षण करने का समय नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह उसे दिया जा सकता है? ठीक है, बहुत ही इमरजेंसी है और ब्लड जो है सो चाहिए उसे, तो कौन सा ब्लड उसे चढ़ाया जा सकता है बिना चेक किए हुए? तो ये आपका जो है सो ब्लड हो जाता है वो नेगेटिव, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, देखिए 35 प्रश्न जो है सो आपका 34 के जैसा सेम ही है, ठीक है, इसमें भी इमरजेंसी में ब्लड चाहिए तो कौन सा ब्लड दिया जा सकता है? आपका ऑप्शन यहाँ पे वो नेगेटिव नहीं दिया है, यहाँ पे आरएस फैक्टर भी दे दिया है, ठीक है, तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर ए में और ऑप्शन नंबर बी में वो दिया है, लेकिन आरएस नेगेटिव किस में दिया है? तो आरएस नेगेटिव जो है सो आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है, तो आरएस नेगेटिव जो है सो ब्लड जो है सो दिया जा सकता है, ठीक है, वो ग्रुप का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, 36 प्रश्न वही है जो 35 में था, ठीक है, इमरजेंसी में खून देना पड़ता है, जांच करने का कोई टाइम नहीं है, तो कौन सा ब्लड जो है सो दे सकते हैं? तो आपका जो है सो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है, वो आरएच नेगेटिव। चलिए नेक्स्ट देखिए, 37 नंबर है, रक्त समूहों की खोज किसने की? तो रक्त समूहों की खोज कार्ल लैंड स्टीनर ने जो है सो की थी, ठीक है, और कब किया था जो है सो 1900 ईस्वी में कार्ल स्टीनर ने किया था, ठीक है। देखिए 38 नंबर है कि आरएच कारक संबंधित है, किससे संबंधित है आरएच कारक, किससे संबंधित है? तो आरएच कारक जो है सो बंदर से संबंधित है, ठीक है। 39 नंबर देखिए क्या है, एक व्यक्ति है, ठीक है, दंपति है, वो एक बालक को गोद लेता है और कुछ वर्ष के बाद एक जुड़वा पुत्र होता है, ठीक है, दंपति में से एक का रक्त वर्ग ए बी पॉजिटिव है और दूसरे का ओ नेगेटिव है। अब उसके पास तीन पुत्र है, तीनों पुत्र का जो है सो ब्लड ग्रुप यहाँ दिया है, एक का है ए पॉजिटिव, दूसरे का है बी पॉजिटिव और तीसरे का है ओ पॉजिटिव। तो प्रश्न पूछता है गोद लिए पुत्र का कौन सा वर्ग है रक्त का, ठीक है, तो जो गोद लिया है कौन सा वर्ग है? तो देखिए यहाँ मेनली जो है सो देखना है कि दंपति का ब्लड ग्रुप क्या है, तो देखिए दिया है दंपति का
एक का ए बी है और दूसरे का ओ नेगेटिव है, पहले का ए बी और दूसरे का ओ नेगेटिव। तो ए बी और ओ नेगेटिव से कौन सा ब्लड ग्रुप नहीं हो सकता, नहीं बन सकता है, ये चीज़ जो है सो आपको देखना है। तो जब ए बी और ओ मिलती ब्लड ग्रुप होता है तो वो पॉजिटिव ब्लड जो है सो पॉसिबल नहीं होता, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए जो है सो सही हो जाएगा, 39 हो गया। नेक्स्ट देखिए 40 नंबर, 40 नंबर में है कि पिता का ब्लड ग्रुप ए है और माता का ओ है, ठीक है, तो पुत्र का कौन सा हो सकता है, तो पुत्र का जो है सो वो जो है सो हो सकता है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। नेक्स्ट देखिए 41 नंबर, किसी एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच स्तर क्या होता है, तो पीएच स्तर जो है सो 7.35 से लेके 7.45 तक होता है। नेक्स्ट देखिए रक्त का पीएच कितना होता है, तो रक्त का पीएच 7.4 होता है। नेक्स्ट देखिए मनुष्य के शरीर का रक्त का पीएच मान होता है, कितना होता है, 7.4 होता है, रिपीट को किया हुआ प्रश्न, ठीक है। नेक्स्ट है 44 नंबर, प्रतिजन जिसे इंग्लिश में एंटीजन कहते हैं, क्या है प्रतिजन, क्या है, तो प्रतिजन जो है सो एक आपका होता है प्रतिपिंड के निर्माण को उद्दीपित करने वाला, ठीक है, तो इसका ऑप्शन देखिए क्या है, इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा सही डी नंबर, प्रतिपिंड के निर्माण को उद्दीपित करता है, ठीक है, जिसे एंटीबॉडी कहते हैं, एंटीबॉडी का निर्माण करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 45 नंबर है, प्रतिजन ऐसा पदार्थ है जो ऑप्शन नंबर एक में दिया है शरीर ताप का काम कम करता है, दूसरा में दिया है हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट करता है, तीसरा में दिया है प्रतिरक्षा तंत्र को परिवर्तित करता है, चौथा में दिया है विष के प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो क्या हो जाएगा इसका सही, प्रतिजन ऐसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षा तंत्र को परिवर्तित करता है, ठीक है। चलिए 46 नंबर देखिए, निम्न में से एंटीजन्स की मूल विशेषता क्या है, जो एंटीजन है उसका मूल विशेषता क्या है, तो वे प्रतिरक्षियों के निर्माण को प्रेरित करता है, आपका ऑप्शन नंबर बी नंबर सही है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए शरीर में 47 नंबर, शरीर में निम्न में से कौन सा संक्रमण से हमारी रक्षा करता है, तो संक्रमण से व्हाइट ब्लड जो होता है वही जो है सो रक्षा करता है, ठीक है, जिसे हम लोग WBC कहते हैं, और ये इसके अलावा भी रक्षा क्या क्या करता है, वो करता है एलर्जी से, अति संवेदनशीलता की स्थिति में भी महत्वपूर्ण कार्य करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए 48 नंबर, सफेद रक्त कण का मुख्य कार्य है, ठीक है, वही चीज़ है रोग प्रतिरोध क्षमता धारण करना, ठीक है, रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना, ठीक है, रोग से लड़ने की क्षमता को प्रदान करता है सफेद रक्त कणिका, जिसे कहते हैं WBC, ठीक है। नेक्स्ट देखिए रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्माण निर्मित होती है, ठीक है, एंटीबॉडी जो है सो किसके द्वारा निर्मित होती है, तो एंटीबॉडी जो है सो लिम्फोसाइट के द्वारा जो है सो निर्मित होती है, ठीक है, और ये लिम्फोसाइट जो होता है ये जो है सो बहुत छोटा ही श्वेत रुधिराणु होता है, लेकिन इसका संख्या कुल WBC का 20 से 30% होता है, इसका संख्या कुल जो जितना भी लिम होता है WBC उसका जो है सो 20 से 30% जो है सो होता है लिम्फोसाइट, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 50 नंबर है, प्रतिरक्षा या संक्रमणीयता का सर्वाधिक संबंध है किससे है, तो प्रतिरक्षा का संबंधित जो है सो आपका जो है सो लिम्फोसाइट से ही है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए मानव रक्त की श्यानता का कारण है, ठीक है, फिर
51 नंबर, मानव रक्त की श्यानता का कारण क्या है? तो रक्त में प्रोटीन जो है सो श्यानता का कारण है। और एक और है हीमाटोक्रिट, हीमाटोक्रिट ये भी जो है सो श्यानता का कारण बनता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, देखिए फिफ्टी टू नंबर क्या है, मानव के स्वक श्वेत रक्त कणों का व्यास होता है। ठीक है, जो WBC होता है ना, WBC होता है, इसका जो है सो कितना जो है सो व्यास होता है, डायमीटर कितना होता है। ठीक है, तो इसका डायमीटर यदि हम MEM में बात करते हैं तो 0.007 MEM होता है। ठीक है, जबकि हम माइक्रोमीटर में बात करेंगे तो 7 माइक्रोमीटर होता है। कितना होता है? 7 माइक्रोमीटर होता है। ठीक है, 7 माइक्रोमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है, 53 नंबर में, रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति को रोग विज्ञान की भाषा में कहते हैं। मतलब कि WBC ज़्यादा हो जाएगा शरीर में तो उसे कौन सा बीमारी कहते हैं? तो उसको कहते हैं ल्यूकेमिया। ठीक है, उसे कहते हैं ल्यूकेमिया। ठीक है, ब्लड कैंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, ल्यूकेमिया को रक्त कैंसर कहते हैं। ठीक है, 54 नंबर देखिए, लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतः बनती है, लाल रक्त कणिकाएं कहाँ जो है सो बनती है? तो लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतः जो है सो अस्थि मज्जा में। ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं बोन मैरो कहते हैं। ठीक है, और ये लाल रक्त कणिकाएं जो है सो शरीर में 120 दिन तक प्रसारित होता है। ठीक है, और तिल्ली जिसे पलिया भी कहते हैं, पुरानी रक्त कणिकाओं जो है सो नष्ट हो जाता है पलिया में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, देखिए 55 नंबर कहता है डब्ल्यू सी का बनना तथा RBC का विनाश होना कहाँ होता है? WBC कहाँ पे बनता है और RBC कहाँ विनाश होता है? तो हम अभी ही कुछ देर के पहले बताएं कि RBC जब 120 दिन हो जाता है तो पलिहा में जो है सो जाके नष्ट हो जाती है। मतलब कि RBC जो है सो पलिहा में नष्ट हो जाती है। ठीक है, और WBC कहाँ बनता है? तो WBC भी जो है सो पलिहा से ही बनती है। ठीक है, देखिए 56 नंबर बोलता है, रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है, शुगर टेस्ट जो होता है वो। ठीक है, किसमें व्यक्त किया जाता है? तो मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर जो है सो आपका ऑप्शन नंबर बी दिया है, सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 57 नंबर, हृदय को रक्त का संभरण करने वाली धमनियां कहलाती है। ठीक है, कौन सा धमनियां कहलाती है? तो वो हृदय धमनियां कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 58 नंबर क्या है, रक्त का थक्का बनने में फाइब्रिनोजिन को फाइब्रिन के परिवर्तन में भाग लेने वाला एंजाइम है। कौन सा एंजाइम है जो परिवर्तन करता है फाइब्रिन में? तो वो एंजाइम कहलाता है थ्रोम्बिन। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका, किस शारीरिक परक्रम से थ्रोम्बिन का संबंध है? ठीक है, 59 नंबर, थ्रोम्बिन जो है सो किससे संबंधित है? तो थ्रोम्बिन आपका जो है सो किससे, पहला दिया उत्सर्जन, दूसरा दिया रक्त जमाव, तीसरा दिया प्रजनन, चौथा दिया है वृद्धि। तो किससे संबंधित है? रक्त जमाव से संबंधित है। नेक्स्ट देखिए 60 नंबर, प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है, प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है? तो प्लाज्मा में जल का प्रतिशत जो है सो यहाँ आपका ऑप्शन दिया है मैक्सिमम 90%। मतलब कि यहाँ आपका ऑप्शन सही है डी नंबर। ठीक है, लेकिन प्लाज्मा में जो है सो लगभग 91 से 92% जो है सो जल पाया जाता है और शेष 8 से 9% जो है सो कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होता है प्लाज्मा में। ठीक है,
प्लाज्मा में, मतलब कि प्लाज्मा में 91 से 92% तक जो है सो लगभग जल होता है और बाकी जो है सो कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होता है, ठीक है। और क्या प्लाज्मा जो है सो कुल रक्त की मात्रा का लगभग 55% होता है, मतलब जितना भी ब्लड होता है बॉडी में उसका जो है सो 55% जो है सो लगभग जो है सो आपका पाया जाता है प्लाज्मा, ठीक है। चलिए यहीं समाप्त करते हैं, और अपने फ्रेंड लोग को भी शेयर कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा अगर अच्छा लगा हो तो, और अच्छा नहीं लगा हो तो डिसलाइक कर दीजिएगा। चलिए ठीक है, मिलते हैं, बाय बाय।